नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं सीएनडीसी बाय नंदन। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर की 100% इन्फॉर्मेशन की ये चौथी वीडियो है। इससे पहले मैंने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में आपको बताया था। इसके बाद इसकी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है इसके बारे में मैंने कंप्लीट चीजें आपको बताई थी। उसके बाद की वीडियो में कैपिलरी ट्यूब के नंबर को आप कैसे पहचानेंगे और उसे किस तरीके से काटना है या किस तरीके से उसे खोलना है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। और आज के इस वीडियो में मैं इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ड्रायर इस्तेमाल होता है, जिसे कि फिल्टर भी कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी डिजाइनिंग क्या होती है या फिर इसे काट कर देखेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या चीज होती है, और इसके बारे में कुछ जानकारियां हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस रेफ्रिजरेटर की 100% इन्फॉर्मेशन की अगर कोई वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिया बटन के ऊपर क्लिक करें और सबसे पहले उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख लें। अगर आप उन सारे वीडियोस को देखते हुए और आने वाले अगर सारे वीडियोस को देखेंगे तो आप इस रेफ्रिजरेटर के बारे में काफी सारी जानकारियां इकट्ठी कर लेंगे। इसके बाद आपको इस टाइप की रेफ्रिजरेटर की सर्विस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें एसीएनडीसी बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कंप्लीट साइकिल के बारे में आपको बताई थी। कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से यहां में लगा होता है कंडेंसर और यहां पे लगा होता है ड्रायर, और इसे ही हम फिल्टर भी कहते हैं, जो कि देखने में कुछ इस टाइप का होता है। जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस टाइप का फिल्टर होता है। ये छोटे रेफ्रिजरेटर जो 135 लीटर या फिर जो डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसके अंदर इस टाइप के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं इधर एक मोटा सुराख होता है और इस साइड में पतली सुराख होती है, जो कि बेसिकली कैपिलरी ट्यूब के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि देख सकते हैं कुछ इस टाइप का भी फिल्टर आपने देखा होगा लगा हुआ। जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर दो होल होती है, एक साइड में दो मोटे मोटे होल होते हैं और एक साइड में कैपिलरी के लिए पतला होल होता है। और अगर आप इसे हिलाएंगे तो इसमें से थोड़ी सी झनझनाहट जैसी आवाज मिलेगी आपको। बेसिकली ये काफी पुराना है, इसके अंदर पता नहीं जो सिल्का जेल है वो जम चुकी है या फिर क्या है ऐसा कि इसके अंदर से आपको कोई साउंड सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन ठीक यही फिल्टर हमारी ये पैक है, इसे अगर हम हिलाते हैं तो आपने महसूस किया कि इसके अंदर से झनझनाहट ऐसी आवाज देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये अभी पैकेट के अंदर पैक है, इसके अंदर सिल्का जेल भरा हुआ है। इसे बेसिकली आपको पैकिंग से तभी बाहर निकालना चाहिए जब आप इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर लगाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो सिल्का जेल होती है वो सिल्का जेल का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ये। तो जब आप इसे खोलेंगे तो एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है उसे ही अब्सॉर्ब करता रहेगा और फिल्टर की जो परफॉर्मेंस है वो आपको बाद में अच्छी खासी दिखाई नहीं देगी। दोस्तों, ये फिल्टर देख रहे हैं, इससे काफी बड़ा साइज का ये फिल्टर आप देख रहे हैं। इसके अंदर भी सिल्का जेल भरा हुआ है। अगर मैं आपको हिलाकर सुनाऊं तो इसमें से झनझनाहट ऐसी आवाज मिल रही है। इसके साइड भी एक साइड में दो होल है और इसके अंदर जैसा कि देख सकते हैं एक जाली ऐसी चीज है और एक साइड में कैपिलरी ट्यूब लगने का ऑप्शन है। दोस्तों, इस साइड में दो होल इसलिए होता है कि जब कभी रेफ्रिजरेटर को अगर आपको सेल्फ वैक्यूम करने की जरूरत होती है वहां में इस्तेमाल होता है ये दूसरे पाइप का, ठीक है। अगर आप सेल्फ वैक्यूम नहीं करते, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप इसे ही पिंच कर दें और एक ही पाइप के साथ इसका कनेक्शन जोड़े, आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। खासतौर पर इस टाइप का जो फिल्टर है ये इस्तेमाल होता है डीप फ्रीजर के अंदर या फिर आपकी जो मिठाई वाली बड़ी बड़ी काउंटर होती है उसके अंदर इस टाइप का फिल्टर इस्तेमाल में लिया जाता है। और जैसा कि ये फिल्टर देख रहे हैं ये भी एक फिल्टर है, ये मेटल फिल्टर है और जैसा कि देख सकते हैं इसमें इस साइड में तीर लगी हुई है, यानी कि इस साइड में कैपिलरी ट्यूब आनी है और इधर में आपकी कंडेंसर से जो पाइप आती है उसे इसके इस साइड में कनेक्ट करना होता है। जैसा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं ये तीर है, यानी दोस्तों ये जो तीर देख रहे हैं इसका बेसिकली मतलब ये है कि इधर में आपकी कंडेंसर वाली पाइप लगनी है और इधर में आपकी कैपिलरी इधर की तरफ फ्लो होगा, इसलिए इधर में कैपिलरी आपकी लगेगी, ठीक है। तो ये फिल्टर भी इस्तेमाल होता है मिठाई काउंटर के अंदर या फिर आपके जो डीप फ्रीजर होती है उसके अंदर।
और बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन के अंदर, बड़ी बड़ी जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है उसके अंदर इससे बड़ा ड्रायर या फिल्टर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन फिलहाल हम इस छोटे से रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हो 165 लीटर वाली, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे। तो इसमें नॉर्मली आप इस टाइप के फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर सिलिका जेल नहीं है, ये विदाउट सिलिका जेल है। तो इसकी कीमत कुछ कम होती, इसकी कीमत कम होती है एक सिलिका जेल फिल्टर के मुकाबले। तो आपकी मर्जी, बेहतर तो होता है कि आप सिलिका जेल वाला ही फिल्टर यूज करें। अगर आप थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हैं तो इस फिल्टर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ फिल्टर। अब देखते हैं कि फिल्टर के अंदर आखिर क्या चीज होती है। यहां में हमने दो फिल्टर रखा है, ये दोनों पुराना है। हालांकि इस टाइप में सिलिका जेल भी आता है, विदाउट सिलिका जेल भी आता है। जैसा कि इस साइड में एक पाइप है और इस साइड में कैपिलरी ट्यूब आने का ऑप्शन है। तो इसके अंदर सिलिका जेल नहीं है, लेकिन इस टाइप का ये मॉडल जो है इसके अंदर सिलिका जेल शायद इसके अंदर है। हालांकि इसके अंदर से भी हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो चलिए हम इन दोनों फिल्टर को काटते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, हमने इसमें ग्राइंडर से पतली धारी लगा ली है काटने ऐसी। चलिए हम इसे तोड़ते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, मैंने इसे तोड़ा है। इस साइड में हमारी पतली होल गई है कैपिलरी ट्यूब के लिए। और जैसा कि यहाँ में देखते हैं अगर हम, तो यहाँ में एक नेट ऐसी है। जैसा कि आपने, अगर काफ़ी बारीक अगर आप छन्नी देख सकते तो इस टाइप की एक छन्नी सी है चीज़। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको थोड़ी सी ठीक से दिखाने की कोशिश करूँ। जैसा कि आप अगर इसे गौर से देखें तो आप देखेंगे कि इसमें छन्नी ऐसी है। ये पीतल ऐसे मटेरियल से बना हुआ लग रहा है। इसके अंदर आप कुछ चीज़ें भरी हुई देख रहे हैं। यही होता है सिलिका जेल। जैसा कि मैं इसे निकाल कर दिखाऊं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसके मैंने इस सिलिका जेल को बाहर निकाला है। और इसकी यही खास बात होती है कि ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है। यानी कि जब इस साइड से आपकी गैस पूरी प्रेशर के साथ आती है, साथ में उसमें अगर कुछ मॉइस्चर होता है तो उस मॉइस्चर को ये अब्जॉर्ब करता है। फिर ये पतली सी फिल्टर से होते हुए हमारी रेफ्रिजरेंट इधर कैपिलरी को देती है। तो आपकी जो फिल्टर है उसका जाम होने का चांस काफी बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए यहां में हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी नमी हो वो यहीं पे अब्जॉर्ब होके रह जाती है, तो दोबारा से वो हमारे कंप्रेसर तक नहीं पहुंच पाती। तो चलिए, इसका तो मैंने ऑपरेशन कर दिया, अब बचा हमारे पास एक और फिल्टर। चलिए हम इसे भी काटकर देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, इसे भी हमने कुछ हद तक काट लिया है। चलिए हम इसे भी तोड़कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जैसा कि इसे हमने खोला, जैसा कि देख सकते हैं, इसके अंदर भी सिलिका जेल भरी हुई है। इसके अंदर उसके मुकाबले कुछ मोटी सिलिका जेल है, और ये ही मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है। और अगर बाकी चीजों को देखें तो जैसा कि यहां में देख सकते हैं, यहां में पतली नेट है, काफी पतली जाली है, जो कि हमारे रेफ्रिजरेंट में जो भी कचरा होता है उसे ये
आगे की तरफ नहीं जाने देता है। और अगर इसके भी अंदर हम देखें तो इसके अंदर हमें फिल्टर तो नहीं, कुछ स्प्रिंग टाइप की चीज़ हमें दिख रही है। तो बस यही कुछ होता है हमारे इस फिल्टर के अंदर, इस ड्रायर के अंदर, जो कि हमारे रेफ्रिजरेंट को काफ़ी हद तक क्लीन करने का काम करती है। और साथ ही हमारे रेफ्रिजरेंट के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है उसे ये सिलिका जेल अब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई। 165 लीटर के अंदर कुछ इस टाइप के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी बहुत अगर लीटर ज़्यादा भी है आपके रेफ्रिजरेटर की तो आप इस छोटे फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 200-250 लीटर तक भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन डीप फ्रीजर के अंदर आप इस टाइप का अगर फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, बड़ी वाली फिल्टर, तो ये काफ़ी बेहतर है। वैसे कुछ लोग इस टाइप के फिल्टर का भी इस्तेमाल कर देते हैं, इससे भी कोई ख़ास परेशानी देखने को नहीं मिलती है। अगर आपके रेफ्रिजरेशन के सिस्टम के अंदर ज़्यादा पुराना आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं है, यानी कि उसकी कंडेंसर वगैरह बिल्कुल फ्रेश है, अगर आपके कंडेंसर के अंदर रस्ट जमा होगा यानी कि गंदगी जमा होगी, तो आपका जो छोटा फिल्टर है ये बड़े सिस्टम के अंदर काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज़ लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें एसीएनडीसी बाइक नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।